बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तौफिक विद कुकिंग चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं आलू चिकन की शामियां। शामी टिक्की बहुत ही टेस्टी बनती है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा और अल्लाह पाक से दुआ होती है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी तहे दिल से दुआ है, आमीन सुम्मा आमीन। जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, मेरी तहे दिल से दुआ है। तो तकरीबन मैंने मसाले लिए हैं, तकरीबन ये हल्दी है 1 टीस्पून, ये है लाल मिर्च पाउडर जो है ना, सॉरी यह है शामी कबाब का मसाला है 1/2 टीस्पून, और धनिया 1 टीस्पून करीब, और कुटे हुए जो है ना काली मिर्च 1/2 टीस्पून कुटे हुए जो है ना, ये कुटे हुए लाल मिर्च, और यह है लाल मिर्च पाउडर, और यह है तकरीबन गरम मसाला, और यह है कसूरी मेथी। तो ये सारी चीज़ें और नमक हसबे ज़रूरत 1/2 टीस्पून के करीब। अगर मुझे और भी चाहिएगा मज़ीद मैं तो इसमें शामिल करूँगा, नहीं तो बस यही काफ़ी है। और मसाले देखिए, आलू है तकरीबन मैंने 3 साइज़ के मैंने छोटे आलू लिए थे, और प्याज 1 जो है ना साइज़ बड़े साइज़ का मैंने लिया था, और उसमें थोड़े से मैंने धनिया शामिल किए थे कटे हुए, और 2 अंडे हैं, और यह चिकन है मैंने इनको कूट लिया था, थोड़ा सा मैंने इनको बारीक चॉप कर लिया था, और यह है चॉप किए हुए हरी मिर्च, और ये 2 अंडे। तो चलिए इनको मसाला बनाते हैं, फिर इन आप लोगों को दिखाते हैं। बाउल लेंगे, अभी इसमें जो है ना आलू लेंगे, सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। अब शामिल करेंगे मसाले। मसाले जितनी भी आपकी क्वांटिटी रखें तो आपकी मर्ज़ी, अगर थोड़े से रखें या स्पाइसी करें, जितना भी करें तो आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें मैं जो है ना इसको मैश कर लूँगा अच्छी तरह से। माशाल्लाह मेरा जो है ना शामी मसाले का जो है ना मसाला बिल्कुल ही रेडी है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अभी इसकी जो है ना शामियाँ बनाते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं किस शेप में बनाऊंगा, आप लोग देखिएगा। माशाल्लाह मेरी शामियां जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से शामियां बन गई है, मैंने बना ली है। कुछ बड़ी शेप में बना ली है, कुछ छोटी शेप में मैंने बना ली है, और ये है मैंने सफ़ेदी है, और जर्दी मैंने नहीं ली है, मैंने सफ़ेदी सिर्फ ली है। मैं जो है ना डिप करके सफ़ेदी में फिर जो है ना शामियाँ फ्राई कर लूँगा। तो चलिए इनको फ्राई करते हैं, देर नहीं करते हैं। तकरीबन मैंने इनको 10 मिनट जो है ना मैंने इनको रेस्ट दिया था शामियों को, फिर जो है ना इनमें जो है ना पकाएंगे, फ्राई करेंगे। चलिए भी गर्म हो गया है, तो अभी इसमें शामिल करते जा रहे हैं शामियाँ। आप लोग देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी शामियाँ, देखे आप लोग, देखे कितना कलर अच्छा आया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट बनी है मेरी शामियाँ, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो फुल तक देखिएगा, एंड तक देखिए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो है ना बना ली है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो प्लीज़ 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 वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो फुल तक देखिएगा। तो आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।